तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज का अपडेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है, क्योंकि ये है सिटी बैंक की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे थे, यार बैंकिंग सेक्टर में लेके आओ, क्योंकि लोगों की ना माइंड मेंटेलिटी आज भी ऐसी हो चुकी है, वो मेजरली ना बैंकिंग में अगर जॉब सोचते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में सोचते हैं। उन्हें ये नहीं पता अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी जाते हो तो आपको एक अच्छी और ऑसम सैलरी मिल सकती है, वो भी फ्रेशियर। यस, इसी चीज़ को टारगेट करते हुए आज की अपडेट है। आप सिटी बैंक के अंदर यहाँ पे हायरिंग चल रही है, फ्रेशर हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सैलरी पैकेज तो बहुत ज्यादा औसम है, इतना औसम है कि यार मुझे इस वीडियो में लाइक एडवांस में चाहिए। सैलरी आपकी मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, 3.6 लाख से लेके आपकी सैलरी रहेगी 9 लाख रुपए पर एनम तक। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऐसे फ्रेशर आप 9 लाख रुपए भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। एग्जैक्टली कितनी सैलरी रहेगी देखो, वो चीज़ आपकी डिपेंड करेगी आपके इंटरव्यू पे। अगर मैं मंथली कन्वर्ट करूँ तो यू नो वेरी वेल 1 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है फ्रेशर लेवल पे। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, कौन सी प्रोफाइल पे है, क्या लोकेशन है, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर रहेगा और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ सिटी बैंक रिक्रूटमेंट 2021 की अपडेट। जैसे स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूँ कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा औसम है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में है जस्ट एनी ग्रेजुएट। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने, BSc, BCom, BTech कुछ भी आपने कंप्लीट करा, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिटी बैंक के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटरेस्ट प्रोफाइल पे जॉब निकली है। सैलरी पैकेज इसका ऑसम है क्योंकि IT सेक्टर से रिलेटेड जॉब है, पर इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप IT सेक्टर के ही कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आपने जस्ट यहाँ पे BCom भी करा है और यू हैव सम गुड नॉलेज रिलेटेड टू IT सेक्टर, रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेटेड टू एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे चुका हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, डिटेल में जानने के लिए वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए भी आपको वेबसाइट पे जाना है और डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें कि किसी थर्ड पार्टी पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। लोकेशन यहाँ की इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पुणे इनकी लोकेशन रहेगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस लोकेशन के लिए तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी गई है कि आपको यूटिलाइज करनी है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो आपका बेसिक रहेगा। देन जो प्रोसीजर होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, छोटे छोटे जो कोडिंग होती है, बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्निकल एरिया, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। तो इससे ये चीज इंडिकेट हो रही है कि अगर आप BCom के हैं अप्लाई कर दो, नो इशू, पर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे BCA कैंडिडेट हैं और एक BCom कैंडिडेट है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी वो BCA कैंडिडेट की रहेगी। तो मेक श्योर अपने रिज्यूम के अंदर टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा आपको टारगेट करना है, अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अपने रिज्यूम को फॉरवर्ड करने वाले हैं। कि आपको कंडक्ट करनी है टेस्टिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, किसी भी चीज़ की अगर आप टेस्टिंग करते हो उसके बाद ही रिजल्ट दे पाते हो वो प्रोडक्ट कैसा है। सेकेंड, यहाँ पे डीबगिंग करनी है, वही टेस्टिंग का पार्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट लिखा है कि यूटिलाइज स्क्रिप्ट टूल्स। यस, आपको यहाँ पे टूल्स भी यूज करने आने चाहिए एंड राइट बेसिक कोड, जो कि आपकी बेसिक कोडिंग से रिलेटेड रहेगा। तो यस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो ये एक जॉब है ये कोडिंग से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड सभी छोटे छोटे काम आपके अंदर होने वाले हैं, तभी यहाँ पे ऐसे फ्रेशर लेवल पे आपको 9 लाख रुपीज पर एनम सैलरी मिल रही है। एक्सपीरियंस 0 to 2 लिखा गया, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर, तो यहाँ पे आप परफेक्ट हैं, सुटेबल कैंडिडेट होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन है, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, कमेंट करके आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।